फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो यूट्यूब पर वीडियो है वो यूट्यूब कितने लोगों तक पहुंचाता है, तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि भाई आप कैसे देख सकते हैं कि यूट्यूब की साइट से आपकी जो वीडियो है वो कितने लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पूरी वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर जी यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो अपलोड है वो कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने लोगों तक YouTube दिखा रहा है, ये कैसे वो देख सकते हैं। तो हम कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शानदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लैपटॉप में है या कंप्यूटर में है तो अच्छी बात है, अगर मोबाइल से अगर ये चीज देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम प्रोसेस है। बस मोबाइल में करना क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपको जरूरत पड़ती है YouTube के ऑफिशियल एप्लीकेशन की, जैसे कि आप देख पाएंगे ये वाला जिसका नाम है YT Studio। अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं है तो सिंपल आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर, यहाँ पे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं ये वाला YouTube Studio। सर्च करेंगे तो फिर हमने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आपको क्लिक करना होगा, इसका आप देख सकते हैं ओपन वाले ऑप्शन पे। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube का डैशबोर्ड खुल जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जब इसको आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पहले आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है जो आपका YouTube चैनल का है। जब वो डाल देते हैं तो आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाती है और तब आपके सामने आप देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड ऐसा देख पा रहे हैं आपके लिए पूरा, तभी आपके मोबाइल में खुल जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप देख पाएंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह का देखेंगे बोर्ड, तो यहाँ के लिए तीन लाइन जो देखने को मिल रही है, वाली तीन लाइन देखने को मिल रही है, आपको सिंपल इन तीन लाइन पे क्लिक करना होता है। चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये वाले, जैसे सकते हैं डैशबोर्ड, वीडियो, प्लेलिस्ट, कमेंट और एनालिटिक्स, सिंपल को क्लिक करना होता है एनालिटिक्स पे। जब आप क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो नेट है वो खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत कम स्पीड दे रहा है। दोस्तों, इसको मैं जो बता रहा हूँ इसको देखने के बाद आप जान जाएंगे कि YouTube जो आपकी वीडियो है वो कितने लोगों तक मतलब पहुंचाता है, एक महीने में, दो महीने में, सब देख पाएंगे। अब ध्यान दीजिए सिंपल, यहाँ आपको जब इस पर आप क्लिक कर देते हैं एनालिटिक्स पे, तो यहाँ कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपके लिए, आप देख पाएंगे ये वाला जिस पर लिखा है रीच, आप देख पाएंगे ये रीच लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंप्रेशन, देख सकते हैं लिखा हुआ है इंप्रेशन, देख पा रहे हैं ये वाला। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 24 लाख है ना 67,338, मतलब कि जो मेरा YouTube जो वीडियो है वो 24,67,338 लोगों तक 28 दिन में ये मेरी वीडियो को पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है लास्ट 28 डेट, देख सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको देखना हो कि भैया 7 दिन में कितने लोगों को पहुंचा रहा है, सिंपल इसमें क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये टाइम आता है, जैसे कि मान लीजिए 7 डे में कितने लोगों तक मेरी यूट्यूब वीडियो पहुंचा रहा है, तो क्लिक करेंगे 7 डे पे तो आप देख पाएंगे यहाँ बता रहा है 6,97,910 लोगों तक यूट्यूब मेरी वीडियो 7 दिन में पहुंचा रहा है। और अगर आप जब का भी देखना चाहें, जैसे लाइफ टाइम का देखना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं लाइफ टाइम पूरे मतलब पूरे में जब से मैंने यूट्यूब चैनल को चालू करा है तब से लेकर अभी तक यूट्यूब ने मेरी वीडियो पहुंचाई हुई है, आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा मैं पढ़ नहीं पाऊँ, पढ़ लीजिएगा। तो इतने लोगों तक YouTube ने मेरी वीडियो पहुंचाई है। यहाँ अगर आप चाहते हैं 300% की तो 300% में क्लिक कर दीजिएगा तो आप देख पाएंगे भैया YouTube ने जो मेरी वीडियो है 15,16,08,337 लोगों तक इसने मेरी 97 लोगों तक इसने वीडियो पहुंचाई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि YouTube ने जो आपकी वीडियो है वो कितने लोगों तक पहुंचाई 28 दिन में। तो आपको बताना चाहूंगा, सिंपल आपको आना होता है आपके YouTube स्टूडियो के एप्लीकेशन में, अगर कंप्यूटर में तो अपना YouTube चैनल पहले ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद आइएगा एनालिटिक्स पे, उसके बाद आना होगा आपके लिए रीच पे, ठीक है। रीच पे आते हैं तो यहाँ आएगा इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब होता है कि भैया जो अपना YouTube जो होता है ना अपनी वीडियो कितने लोगों तक पहुंचाता है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया पहुंचाने की, अब बोलेंगे भैया कि इतने लोगों ने वीडियो देखा या नहीं, मैं तो बताना चाहूंगा जो भी व्यक्ति जो भी एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा, जो भी लोग YouTube पर वीडियो सर्च करते थे, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए बताना चाहूंगा। देखिए अब दिखाएं, बंद कर देते हैं अपन, थोड़ा सा नेट की स्पीड कम है, ठीक है। YouTube को खोलेंगे अपन, खोलने के बाद आप देखिए थोड़ा सा नेट स्लो समझिएगा। तो यहाँ जितनी भी वीडियो सर्च होती हैं, या जो अपन यहाँ पे कुछ भी नाम डाल के ऊपर सर्च करते हैं, तो जो वीडियो दिखाई देती हैं अपन को, भले ही उनको अपन देखें ना देखें, जितनी भी वीडियो दिखाई देती हैं तो वो होता है इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि यूट्यूब में जो आपकी वीडियो है वो दोस्तों सिर्फ दिखाई है लोगों को, उसमें लोगों ने कितना लोगों ने क्लिक करा वो देखने के लिए ध्यान दीजिए। सिंपल आप क्लिक करेंगे यूट्यूब स्टूडियो पे तो ध्यान दीजिए लिखा हुआ है इंप्रेशन, मतलब कि आपकी जो वीडियो है यूट्यूब द्वारा इतने लोगों तक दिखाई गई है, जितना भी आपके में दिखा रहा होगा वो आपका रहेगा, ये मेरा दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरी जो वीडियो है यूट्यूब ने 24,67,338 लोगों को इस 28
दिन मतलब लास्ट 28 दिन में दिखाई है, ठीक है। आप चाहे पूरा भी दे सकते हैं, 7 डे का भी दे सकते हैं, 365 दिन का भी दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब उस पर क्लिक मतलब जो क्लिक टू इंप्रेशन, क्लिक टू रेट जो आप देख पा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक इंप्रेशन क्लिक टू रेट, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपकी जो वीडियो पर जो लोगों ने क्लिक करा है वो 11.6% लोगों ने क्लिक करा है। मतलब यूट्यूब ने भी आपकी वीडियो तो दिखाई है, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी जो वीडियो है यूट्यूब ने 100,000 लोगों को दिखाई हुई है, 100,000 लोगों में से भैया 11.6% लोगों ने क्लिक करा हुआ। तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरी यूट्यूब द्वारा जो वीडियो मेरी दिखाई गई है वो 24,68,338 लोगों तक मेरी वीडियो को यूट्यूब ने लोगों की स्क्रीन में दिखाया, अपने मोबाइल की स्क्रीन में दिखाया या कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाया है। लेकिन कितने लोगों ने मेरी वीडियो पर क्लिक करा, तो आप देख पाएंगे 11.6% लोगों ने मेरी वीडियो पर क्लिक करा है। तो ये वीडियो जो थी दोस्तों बेसिकली क्या थी, ये थी कि इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं कि YouTube द्वारा आपकी जो वीडियो है वो कितने लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो आपने बता दिया किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि YouTube आपकी वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचा रहा है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सीखने कुछ मिला हो और दोस्तों ऐसी कुछ और वीडियो चाहते हैं अच्छी अच्छी, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी कई सारी वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।